हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मेघाज ब्लॉसमिंग गार्डन। आज के वीडियो में हम जेट प्लांट को कैसे ग्रो करें और उसकी केयर के बारे में जानेंगे। जेट प्लांट का पौधा बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं है और इजी टू ग्रो पौधा है। ये एक सेक्युलेंट पौधा है और सेक्युलेंट यानी कि कम पानी, बस यही समीकरण होना चाहिए। जेट प्लांट एक बहुत ही पॉपुलर पौधा है जिसके ओवल और फ्लैशी पत्ते होते हैं, और अगर इसकी मेन स्टेम अगर मोटी होती है तो एक टाइनी ट्री सा प्रतीत होता है, एक छोटा सा पेड़। जेट प्लांट ज्यादा ऊंचाई तक नहीं बढ़ते हैं, इनकी हाइट 3 से 6 इंच तक बढ़ती है और ये इतना बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा समय लेते हैं। इनकी बहुत ज्यादा स्लो ग्रोथ होती है। जेट प्लांट को हम बॉन्साई भी बना सकते हैं। इसकी पत्तियां बहुत ही प्यारी दिखती है, इसलिए इसे ग्रो किया जाता है। साथ में ये कई साल तक हमारे पास रह सकता है हमारे गार्डन में। जेट प्लांट एक बहुत ही हार्डी पौधा है, ये अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेता है। जेट प्लांट को हम इंडोर और आउटडोर दोनों ग्रो कर सकते हैं। हम छोटे छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, इसे आप छोटे से कप में भी ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि इसकी जड़ें ज्यादा नीचे तक नहीं जाती है, इसलिए आप एक पॉट ले लें जिसकी ज्यादा गहराई न हो। इसमें अच्छी वेलड्रेन मिट्टी डालें ताकि पानी नीचे से निकल जाए। मिट्टी में अगर ज्यादा पानी रह जाए या मिट्टी सौगी हो जाए तो जड़ें सड़ने का खतरा रहता है या फंगल डिजीज आते हैं। पौधे लगाने के बाद इसमें ज्यादा पानी न दे, जड़ों को अच्छे से सेटल होने दे, उसके बाद ही अच्छे से पानी दे। जैसे जैसे जेट पौधे की आयु बढ़ती है वैसे वैसे इसकी मेन स्टेम अच्छी मोटी होती जाती है और उसे एक ट्री का लुक देती है। इसका बॉटेनिकल नेम क्रेसुला ओवाटा है। आइए इसकी प्रोपोगेशन के बारे में जानते हैं। जेट के पौधे हम पत्तियों से या स्टेम कटिंग से प्रोपोगेट कर सकते हैं। अभी जैसी गर्मियां शुरू हो रही है तो ये ग्रो होते हैं। अभी स्प्रिंग सीजन आएगा तो इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। विंटर सीजन इनका डोरमेंसी पीरियड होता है तो इन्हें हम अभी प्रोपगेट कर सकते हैं इनकी पत्तियों से या फिर इनकी कटिंग से। किसी भी अच्छे मेच्योर पौधे की पत्ती ले ले और उसे मिट्टी पर रख दे। ध्यान रहे मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए, मिट्टी पानी पकड़कर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो पत्तियां या कटिंग सड़ जाती हैं। पौधे को या पत्तियों को या पॉट को किसी ऐसी वार्म जगह रख दे जहां ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, और पानी तभी दे जब दो पानी देने के बीच की मिट्टी सूख जाए। इसकी केयर के बारे में जान लेते हैं। जेट प्लांट को कम से कम 4 घंटे की धूप चाहिए। जो यंग पौधे होते हैं उन्हें ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रखें, यानी आप पार्शियल शेड में रख सकते हैं, और जो अच्छे एस्टेब्लिश्ड पौधे हैं उन्हें डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। उनमें डायरेक्ट सनलाइट झेलने की क्षमता होती है, या फिर धूप छन छन के आ रही हो तो वह भी चलेगा। समर्स में लेकिन इसे दोपहर की धूप से बचाना है तो इसे सुबह की धूप में रखकर पार्शियल शेड में रख सकते हैं। मिट्टी इसकी कैसी बनानी है? तो मिट्टी हमें सेक्युलेंट के लिए जैसी चाहिए वैसी बनानी है। मिट्टी का पीएच थोड़ा एसिडिक साइड में होना चाहिए। मिट्टी सैंडी होनी चाहिए, 6 के आसपास इसका आइडियल पीएच होना चाहिए। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि मिट्टी वेल ड्रेन्ड हो, ज्यादा पानी होल्ड करके रखने वाली ना हो जो कि फंगल ग्रोथ को प्रमोट करती है। मिट्टी में रेत जरूर डालें, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा कंपोस्ट डालें। रेत से मिट्टी अच्छी वेल ड्रेन बनती है। आइए इसके पानी के बारे में जान लेते हैं। स्प्रिंग और समर में जब इसकी अच्छी ग्रोथ होती है इसे ज्यादा पानी लगता है बाकी समय के मुकाबले में। पानी अच्छे से दे, चारों ओर से दे, और अगला पानी देने के लिए तब तक रुके जब तक कि इसकी ऊपरी मिट्टी अच्छे से सूख न जाए। फिर इसके लिए 1 हफ्ता लगे या 2 हफ्ता लगे, ये मिट्टी पर ही निर्भर करता है कि वह कब सूखती है। जाड़े में ये पौधा डोरमेंसी में चला जाता है, ग्रोथ स्लो होती है, तो इस समय हमें पानी कम डालना चाहिए। तो इस समय इसे पानी कम लगता है तो पानी कम डालिए। पानी डालते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि पत्तियां गीली ना हो, नहीं तो रॉटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। साथ में अगर आपके नल में सॉल्ट वाटर आ रहा है तो पत्तियों पर सफेद सफेद सा दिखाई देगा,
जो कि पानी का इवेपोरेशन होने के बाद जो सॉल्ट रह जाता है वो पत्तियों पर दिखाई देगा। तो कोशिश करें इसमें फिल्टर पानी डालें अगर आपके नल में पानी आइडियल नहीं है तो। अगर आपके जेट प्लांट के पौधे की पत्तियां गिर रही है या उस पर ब्राउन स्पॉट्स आ रहे हैं तो समझ जाइए कि इसमें पानी कम मिल रहा है। साथ में पत्तियां श्रिंक होने लगती है, पतली सी होने लगती है, इसका मतलब पौधे को पानी ज्यादा चाहिए। साथ में ज्यादा पानी होने से भी पत्तियां भारी होने लगती है क्योंकि उनमें पहले से ही पानी होता है और वह गिर जाती है। भार सहन न होने की वजह से उनमें पहले से ही पानी होता है और रूट्स और ज्यादा पानी खींच लेने से पत्तियों में पानी और ज्यादा हो जाता है तो पत्तियां अपना भार सहन नहीं कर पाती है और गिर जाती है। इसका मतलब पानी बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो पानी कम कर दे या बिल्कुल न दे। सर्दी में इसे सर्द हवाओं से बचाए, तो दोनों ज्यादा पानी या कम पानी जेट के लिए अच्छा नहीं है। इसके फर्टिलाइजर के बारे में जान लेते हैं। जेट को फर्टिलाइजर ज्यादा नहीं चाहिए। इसे 3 महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद दे सकते हैं, साथ में इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर डालें तो ये बहुत ही अच्छे से चलता रहेगा। लिक्विड फर्टिलाइजर के तौर पर इसमें सरसों की खली का खाद दे सकते हैं, इसमें हम चाय की पत्ती का फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, साथ में कॉफी ग्राउंड्स भी डाल सकते हैं लिक्विड फॉर्म में। इसे हमें बहुत ही कम डालना है या पानी में घोल के डालना है। बात करें इस पर आने वाले पेस्ट या बीमारियों के बारे में, तो जेट को मिलीबग परेशान कर सकते हैं। स्प्रे बोतल में सिंपली पानी से स्प्रे कर सकते हैं, इसमें पाउडरी मिल्ड्यू को परेशान कर सकता है। और अगर मिट्टी में ज्यादा पानी रहा या मिट्टी सौगी रहे तो रूट रॉट का भी खतरा रहता है, इसलिए मिट्टी को ड्राई होने दीजिए दो पानी देने के बीच में। इसमें पत्तियां गिरने की भी समस्या हो सकती है, जो कि ज्यादा पानी और कम पानी देने से समस्या आ सकती है। पत्तियां गिर रही है तो समझ जाइए पानी का इश्यू है। इसमें वेरिगेटेड पौधे भी आते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इसमें अच्छे फूल आए तो जेट पौधे को छोटे पॉट में रूट बाउंड बनाकर रखें। जेट को छोटे पॉट में लगाएं तो ज्यादा अच्छे से मैनेज हो सकता है। इसकी रूट ज्यादा फैलती नहीं है, हम इसका बॉन्साई बना सकते हैं इस तरह से। इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए 2 से 3 साल में इसे रिपोर्ट करते रहे। बहुत ज्यादा पुराना पौधा है तो उसे 4 से 5 साल में एक बार रिपोर्ट कीजिए। हमेशा स्प्रिंग सीजन में ही ट्रांसप्लांट कीजिए, जब इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। इस तरह से जेट प्लांट की केयर करें, ये पौधा हमारे पास सालों साल चल सकता है। एक बात का और ध्यान रखना है, जेट प्लांट पर कभी भी गलती से मिस्टिंग मत कीजिए, क्योंकि जेट प्लांट सेक्युलेंट है, इसका मतलब इनका नेचुरल हैबिटेट एरिड और ड्राई है। मिस्टिंग से इन्हें रॉट या मिल्ड्यू की प्रॉब्लम हो सकती है। जेट प्लांट को बुशी कैसे बनाए, तो इसके स्टेम को कट करते रहें तो पौधा ढेर सारी ब्रांचेस निकालता रहता है और बुशी होता जाता है, और नीचे जो स्टेम है वो भी मोटी होती जाती है। अगर आपका पौधा लेगी सा हो रहा है तो समझ जाइए इसे सनलाइट कम मिल रहा है, तो इसे सनलाइट में रखिए। बहुत ही इजी टू ग्रो पौधा है जेट प्लांट का, इसे हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। बस आपको इसके पानी का ख्याल रखना है, मौसम के हिसाब से पानी दे और उसे जितना चाहिए बस उतना ही पानी दे, तो ये सालों साल आपके यहाँ चलता रहेगा। जेट प्लांट को जरूर से अपने यहाँ उगाइए और अपने घर में गुड लक लाइए। आशा है आपको जानकारी पसंद आएगी, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। तो मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।